भतीजी हर बुआ के पास जाती है, बात को खुद समझती है, फिर समझाती है। जैसे काम के जाल का मतलब है एक महिला ग्रुप का दूसरे महिला ग्रुप से जुड़ जाना, संगठित होकर ज्यादा कमाना। अब जाल बुनने वाली बात मुझे बता। काम कोई सा भी हो बुआ, ढंग से अगर किया जाए, जाल बिछाया जाए, तो औरतों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हम में से हर जनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन कैसे? वो ऐसे कि अभी तो तुम अपना माल देती हो व्यापारियों को, तुम खुद अच्छी पैकिंग करके ग्राहकों को सीधा बेचो। लेकिन सीधा ग्राहक हमारे पास आएगा कैसे? ऐसा करो, बाहर एक दुकान खोल लो, अपने ग्रुप की महिलाओं को कहो उसे चलाएंगी। तो ये होता है जाल बिछाना। पहला सुधार तो हुआ काम का जाल फैलाना, और दूसरा सुधार हुआ काम को संवारना, उसको बेहतर बनाना। मुर्गियों को अच्छा दाना दोगी, साफ पानी दोगी, सफाई रखोगी तो मुर्गियाँ तंदुरुस्त रहेंगी, और बुआ अंडे भी उम्दा देंगी, दाम भी बढ़िया मिलेंगे। अच्छे अच्छे नए नए बीज लाओगी, खाद का पानी का इंतजाम रखोगी तो फूल बढ़िया आएंगे, ऐसे थोड़ी मरियल से। अपनी टोकरियाँ नए नए तरीके की बनाओ, ये एक जैसी कब तक खरीदेंगे ग्राहक? अपने काम को संवारो। तीसरी बात है उसी काम धंधे से ज्यादा आमदनी। जब भैंसों को अच्छा चारा देकर उनकी अच्छी देखभाल करके काम संवार लिया तो दूध भी अच्छा मिलेगा। अब दाम बढ़ा दो। मालकिन से कहो बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, पगार बढ़ाओ मेरी। मालकिन मेरी पगार बढ़ाएगी? कभी नहीं। कहकर तो देखो, वरना कह दो प्यार से, बीबी जी मुझे कहीं और काम मिल रहा है, उसकी गरज होगी तो जरूर बढ़ाएगी। ये देखो, ये डब्बा मंगवावा, यहाँ भी रखे हैं। पहले तो अचार पॉलीथिन में भर के बेचित रहे। ये तुमने अच्छा किया, अब तुम इन पर लेबल भी लगा सकती हो बुआ का अचार, और अचार का दाम भी ज्यादा रख सकती हो। इन डब्बों के पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में ज्यादा मुनाफा भी होगा। तो क्या हुआ, काम वही रहा और आमदनी ज्यादा हो गई। आमदनी कैसे ज्यादा हो गई? काम को संवारने से। अब चौथा सुधार बता। बताती हूँ, चौथा सुधार है एकदम नई कारोबारी। नई कारोबारी? हाँ, एकदम नई कारोबारी, मतलब कि जो काम तूने अभी तक नहीं किया वो काम जो कि यहाँ चल सकता है। जैसे तू बता। जैसे कि आजकल गर्मियों के दिन है, तू टोकरियाँ लेकर चौक में बैठती है, साथ में घड़े सुराहियाँ भी रख ले। टोकरियाँ तो बिकती हैं, घड़े सुराहियाँ भी बिक जाएंगी, हुई ना नई कारोबारी। और भतीजी, हम लोगों के लिए या हमारे ग्रुप के लिए कोई नई कारोबारी? नई कारोबारी तो कुछ भी हो सकती है बुआ, बस ध्यान ये रखना है कि वो नया कारोबार या धंधा यहाँ चल सकता है कि नहीं। अच्छा बता, तेरे गांव में कोई मधुमक्खी पालता है क्या? वो तो कोई नहीं पालता, बरगद के पेड़ पे अपने आप छत्ते लग जाते हैं। तो शुरू कर दो ये धंधा, या कोई और भी नया धंधा। यहाँ पौधों की रखवाली करते हुए तुम्हारे पास समय होता है, टोकरियाँ बनाना सीख लो, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और नया कारोबार भी खुल जाएगा। अरे मन लगने की बात मत कर, दिन भर इनकी कहके में दिन कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। नया कारोबार? तौबा करो जी, तौबा। तौबा करें आपके दुश्मन, अपनी मुर्गियों के साथ कुछ बकरियां भी पाल लीजिए, थोड़ी सी कहके थोड़ी सी मैं। बकरियां? अरे हट, दिन भर उनके पीछे पीछे कौन भागेगा? ऐसा हरा मैदान है आपके पिछवाड़े, लंबी रस्सियां लेकर खूंटे से बांध दीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, बकरियां नहीं तो कोई भी ऐसा धंधा जो आपके गांव में नहीं होता हो, या कोई भी नई कारोबारी जिससे आपकी आमदनी बढ़े।
फूफा घर पर नहीं है तभी आराम से सो रही है। अरे तेरे फूफा मेरे आराम में क्या खलल डालेंगे, आज तारीख है, पटवारी के यहाँ गए हैं। अच्छा बुआ बता, मैंने कौन से चार सुधार बताए थे? पहला तो बताया था नया कारोबार करना। एकदम नया? हाँ एकदम नया कारोबार। लेकिन ये पहला तो नहीं है, पहली बात तो कुछ और थी। काम को संवारना। हाँ फिर कौन सी बात बताई थी? फिर कौन सी बात बताई थी? इतने विस्तार से बताया था, इतनी जल्दी भूल गई सब कुछ। बताया जो भी ध्यान दियो बुआ प्यारी, बताया जो भी ध्यान दियो बुआ प्यारी, ये है जिम्मेदारी। बताया जो भी ध्यान दियो बुआ प्यारी। चार तरह की बात बताई, चार तरह की बात बताई, बात बताई बुआ बात बताई, भूल गई तू सारी। बताया जो भी ध्यान दियो बुआ प्यारी, बताया जो भी ध्यान दियो बुआ प्यारी। ध्यान दियो